जो टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्टूडियो 5000 में हम टैग कैसे क्रिएट करते हैं। टैग का मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट को डिफाइन कैसे करते हैं, एज वेल एज इंटरनल बिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइमर काउंटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें एंड शेयर करें और आगे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा कि स्टूडियो 5000 को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इम्युलेटर के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम स्टूडियो 5000 में किस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा लास्ट वीडियो में कि इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग देने के लिए हमें टैग डिफाइन करने की जरूरत होती है, देन आप टैग डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे देखिए कि अभी जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो स्टूडियो 5000 है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉर्नर में जो मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लॉजिक्स डिजाइनर लिखा हुआ आ रहा है। फ्रेंड स्टूडियो 5000 में लॉजिक्स डिजाइनर लिखा हुआ आता है, स्टूडियो 5000 लिखा हुआ नहीं आता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी क्या किया हुआ है कि एक इम्युलेटर कम्युनिकेट किया है, 32 बिट का इम्युलेटर है। 32 बिट का मतलब ये होता है कि 32 इनपुट का बेसिकली मेरे पास इसमें अवेलेबल है, 32 इनपुट एंड 32 आउटपुट अवेलेबल है। ये 32 इनपुट और 32 आउटपुट का कार्ड मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। और ये मेरे पास एक इम्युलेटर है एंड RS Lynx Classic मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि आपको अगर इसको यूज करना है तो आपको 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक RS Lynx Classic की जरूरत पड़ेगी, दूसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए स्टूडियो 5000 और थर्ड वन जो चाहिए आपको इम्युलेटर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले टैग क्रिएट कैसे करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हमें टैग पहले से ही बनाने होते हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाइए, कंट्रोलर टैग एंड यहाँ पर बेसिकली पैरामीटर है, लोकल टैग्स दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि कंट्रोलर टैग हम कब यूज करते हैं। हमें उस समय जरूरत होती है जब हमें HMI या स्काडा से कम्युनिकेशन करना होता है, यानी वो प्रोग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं उनको, यानी इनका यूज करके प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं स्काडा HMI पर डिस्प्ले कराना है डेटा तो आप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दूसरे ऑप्शन है पैरामीटर्स एंड लोकल टैग में अगर आप जाते हैं तो आप इनका यूज करके सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप HMI या स्काडा पर डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप कंट्रोलर टैग डिफाइन करें। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर टैग डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी जो डिफाइन करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि 2 इनपुट डिफाइन करूंगा एंड 2 आउटपुट डिफाइन करूंगा, उसके अलावा कुछ इंटरनल बिट डिफाइन करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ इंटीजर भी डिफाइन करूंगा, कुछ टाइमर्स डिफाइन करूंगा, देन उन टैग्स को आप कैसे मॉनिटर करते हैं, एडिट करते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले न्यू टैग में आप यहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल लिख देता हूँ इनपुट 0 0। आप आगे डिफाइन भी कर सकते हैं आप किस लिए यूज करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ। देन आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूजिंग फॉर स्टार्ट, राइट। देन आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए टाइप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप का मतलब ये होता है कि बेसिकली 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बेस का मतलब होता है जब हम इंटरनल टैग क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें बेस सिलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और इसको जरूर शेयर करिएगा आगे। तो बेस का मतलब ये होता है अगर आपको इंटरनल बिट डिफाइन करना है, मेमोरी बिट डिफाइन करना होता है उसके लिए बेस लेते हैं, टाइमर के लिए हम बेस लेते हैं, काउंटर्स के लिए बेस लेते हैं, इंटीजर डिफाइन करना है हमें बेस लेना होता है, डबल इंटीजर डिफाइन करना है बेस लेना होता है, रियल टैग डिफाइन करने तो रियल लेना होता है। और एलाइस में मैं कब जाता हूँ, जब मेरे पास फील्ड में जो भी इनपुट आउटपुट अगर आपको उनको डिफाइन करना है उसके लिए हम एलाइस लेते हैं। देन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम टैग हम उस समय यूज करते हैं जब PLC to PLC कम्युनिकेशन कराते हैं। तो अभी फ्रेंड जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, इनपुट 0 0 देन स्टार्ट, इसका मतलब मैं फील्ड का इनपुट नंबर 0 यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से एलाइस लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ से एलाइस सेलेक्ट करते हैं देन यहाँ पर ऑप्शन आता है एलाइस फॉर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 3 नंबर स्लॉट जो मेरे पास अवेलेबल है वो इनपुट आउटपुट के लिए अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर 3 नंबर जो स्लॉट है उसमें इनपुट भी अवेलेबल है एंड आउटपुट भी अवेलेबल है। इसका मतलब 32 इनपुट है और 32 आउटपुट है। तो क्योंकि अभी जो मैंने टैग डिफाइन करना है वो इनपुट का डिफाइन करना है, इसलिए प्लस लोकल 3i पे जाना है। देन यहाँ से फिर से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 ये सारे टैग टिल 31 है, यानी 32 इनपुट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, यूज्ड कॉलन n, n का मतलब है नॉट यूज्ड, यानी अभी तक यहाँ पर कोई भी
बिट यूज नहीं हुई है। आप जिस बिट पे ऊपर लेके जाएंगे, जिस नंबर के ऊपर, यही एन लिखा आ रहा है। तो आप जीरो सेलेक्ट कर लीजिए, इसका मतलब जीरो नंबर मैं यूज करना चाहता हूँ, देन आप इसको क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके फिर से एक नया टैग ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया इनपुट 01, देन मैं स्टॉप के लिए लेना चाहता हूँ, देन आप यहाँ पर डिफाइन कर दिए डिस्क्रिप्शन, इट इज यूजिंग फॉर स्टॉप, राइट। देन फिर अगेन आपको यहाँ से एलाइस लेना है, देन एलाइस 4 पर जाना है, लोकल 3i, देन यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए। अब देखिए मैं जीरो नंबर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, यूज्ड वाई, वाई मीन्स यस, राइट। देन वन पे जाएंगे नो, यानी ये वाले जितने भी बिट हैं ये अभी यूज नहीं है, जीरो नंबर यूज हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनपुट अंडरस्कोर जो टैग मैंने डिफाइन किया यहाँ पे आ भी गया, यानी जैसे जैसे आप टैग डिफाइन करते रहेंगे वो यहाँ पर दिखने भी चालू हो जाएंगे। तो अब यहाँ से वन ले लीजिए, क्योंकि मैं एक और इनपुट लेना चाहता हूँ स्टॉप के लिए। अब मैं यहाँ पे दो आउटपुट भी यूज करना चाहता हूँ, 2 से 3 आउटपुट, यानी दो आउटपुट यूज करना चाहता हूँ, तो आप आउटपुट लिख दीजिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप नोट कर, मतलब आपको डिफाइन करना है नेम, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी टैग नेम ले सकते हैं, कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आपको क्या नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल लिख दिया, मोटर नंबर 0 के लिए मेरे को चाहिए आउटपुट 0, एंड आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज फॉर मोटर 1। तो यहाँ पर मैं मोटर 1 लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे क्लियर रहेगा और आपको भी क्लियर रहेगा। यानी 00 नंबर बिट जो मोटर 1 के लिए वो डिफाइन किया है, एंड यहाँ से आप इसको एलाइस ले लीजिए। बेस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, आउटपुट को ऑन कराना है। देन यहाँ से देखिए जो टैग बनते जा रहे हैं यहाँ डिफाइन हो रहे हैं। अब आपको 3i पर नहीं जाना, सीधे 3o पे जाना है, और 3o पे प्लस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारी बिट आ गई, देन आप 0 नंबर ले लीजिए, ओके कर दीजिए, यानी क्रिएट कर दीजिए। देन न्यू पे चले जाइए, फिर से आप यहाँ से एक और आउटपुट ले लीजिए, यानी 0 नंबर 1 बिट, देन मोटर मैंने यहाँ से ले लिया मोटर नंबर 2nd, राइट। देन आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए इट इज, यानी दिस इज फॉर मोटर 2nd, ओके। देन यहाँ से एलाइस ले लीजिए, एलाइस फॉर, देन लोकल 3o पे चले जाइए, प्लस पर क्लिक करिए, एक्सपेंड करिए, ये भी देखिए डिफाइन जैसे से होते जाएंगे, यस आ जाएगा, देन 1 नंबर ले लीजिए, क्रिएट कर दीजिए। अब आप ये देखना चाहते हैं कि जो जो मैंने टैग बनाए हैं, यानी अभी दो इनपुट और दो आउटपुट के लिए टैग क्रिएट किए हैं, वो कैसे है, किस तरीके से देखना है, मॉनिटर करना है, तो आप कंट्रोलर टैग पर जाके सिर्फ मॉनिटर टैग पर चले जाइए, तो आप देखिए जो जो आप टैग क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गए। आप अगर कोई भी टैग एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट नहीं हो पाएगा, फिर से वहीं जाइए एडिट टैग पर। तो यहाँ देखिए जो जो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर दिख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये बेसिकली आप एडिट कर सकते हैं। जो ग्रे कलर में, ये एडिट नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है फिजिकल आई मुझे। इस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप छोड़ भी दीजिए। देन अब क्या करना है, कुछ इंटरनल टैग डिफाइन करने हैं, जैसे मेरे को मेमोरी बिट डिफाइन करनी होती है, तो आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं मेमोरी बिट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरनल अंडर स्कोर बिट, देन मैंने 00 कर दिया। ये वही इंटरनल बिट होती है फ्रेंड, जो हम लोग मेमोरी बिट के नाम से भी बोलते हैं, एलन बेल्डी पे अगर आपने काम किया हो तो हम बाइनरी बिट के नाम से भी बोलते हैं, ये वही बिट है। देन आप डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर नहीं करना है बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो टाइप है, मुझे एलाइस नहीं लेना है क्योंकि ये इंटरनल बिट है, इसलिए मैंने बेस ही रखा। अब आपको डेटा टाइप चेंज करना है, क्योंकि ये जो बिट है ये ऑन या ऑफ बिट है, इसलिए मैंने यहाँ से सीधे बुलियन ले लिया, बुल मीन्स बुलियन, जो कि ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएट कर दीजिए। इसीलिए अब यहाँ से एक और आप बिट ले सकते हैं, जैसे मैंने इंटरनल अंडरस्कोर बिट 01 पे चला गया, देन ये भी बेस रहेगा, आप इसको ले सकते हैं, देन क्योंकि ये बिट है ऑन ऑफ होती है, इसलिए मैंने बुलियन सेलेक्ट किया, देन क्रिएट किया। फिर से आप चाहें तो यहाँ से मॉनिटर टैग या एडिट टैग करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिट सारी दिखाई दे रही है। देन उसके बाद अगर आपको टाइमर डिफाइन करना है, देन यहाँ से टाइमर आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टाइमर N00 मैंने ले लिया। आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं टाइमर ही लेना है, आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। टाइमर भी मेरा क्या होता है, बेस ही होता है, बस यहाँ से डेटा टाइप आपको क्या करना है, टाइमर ले लेना है। जैसे मैंने TIM लिखा, टाइमर आ गया, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली सब कुछ कॉन्फिगर्ड है, सिस्टम डिफाइंड है कि टाइमर क्या होता है।
क्रिएट कर दीजिए। जैसे मेरे को एक और टाइमर लेना है, तो मैंने सीधे यहाँ पे गया 01, यानी एक और टाइमर ले लिया। बेस टाइप डेटा है एंड दिस इज बुलियन टाइप। देन उसके बाद मैं यहाँ से आगे गया। अब मैंने टाइमर जो है मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से है। देन यहाँ से एडिट टैग में चले गए। देखिए यहाँ पर अभी एक एरर आ गई है, क्योंकि जो टाइमर होता है, टाइमर मैंने डेटा लेना था, लेकिन यहाँ पर देखिए एरर आ गई। तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से ये राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं टैग। तो जैसे मैंने डिलीट कर दिया, आप चाहते हैं कि यहीं से मेरा टैग डिफाइन हो जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, अभी चला गया ये टैग, राइट। तो मैं यहाँ से एक बार कंट्रोल जेड करके देख लेता हूँ कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कंट्रोल जेड किया तो वो टैग नहीं आया, यानी परमानेंट डिलीट हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं टाइमर _1, देन आपका डेटा जो है वो किस तरह का है, टाइमर है। जैसे यहाँ से सॉरी, इस तरीके से देखिए यहाँ पर टाइमर डिफाइन हो गया है। तो यहाँ पे क्लोज, जैसे अब आपको काउंटर डिफाइन करना है, आप सीधे यहाँ पर काउंटर में चले जाइए। तो काउंटर ये मेरा 00 हो गया, बेस ही रहेगा, बस आपको डेटा टाइप क्या लेना है, काउंटर। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। देन अगेन आप यहाँ पे जाइए काउंटर 01 एंड डेटा टाइप यहाँ पे आप काउंटर कर दीजिए। इस तरीके से ये काउंटर आ गया। आप एडिट आप देखना चाहते हैं टैग, मॉनिटर टैग पे चले जाइए, देखिए मॉनिटर कर लीजिए। आप चाहते हैं कि एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी करके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टाइमर्स में जाइए, तो आपने टाइमर ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ये टाइमर के अंदर काफी सारी हमें यहाँ पे देखिए बिट भी दिखाई दे रही है जो आपने पढ़े होंगे, DNTT, इनेबल, एक्यूमुलेटर एंड प्रीसेट। इसी तरीके से टाइमर 1 में भी यही चीजें दिखाई दे रही है, और इन सभी को हम यूज कर सकते हैं। मैं प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगा, और इसी चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। आगे और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आज जो वीडियो है ये मेरी सिर्फ टैग क्रिएट कैसे करते हैं, उनको डिफाइन कैसे करना है उस पर है। काउंटर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट बिट्स आ गए, प्रीसेट, एक्यूमुलेटर, अप बिट, डाउन बिट, देन डन बिट, ओवर फ्लो बिट, इस तरीके से अंडर फ्लो बिट, कई सारी बिट आ गई। देन यहाँ से काउंटर 0 में आप देख सकते हैं अंडर फ्लो बिट, ओवरफ्लो बिट, डन बिट, काउंटर डाउन बिट, देन काउंटर अप बिट, एक्यूमुलेटर एंड प्रीसेट। तो इस तरीके से जितने भी टैग है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को इंटीजर टैग डिफाइन करना है, 16 16 बिट टैग डिफाइन करना है, तो जैसे मैंने INT 00 डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे D आपको हटाना है, सिर्फ INT रहने देना है, तो ये 16 बिट का हो जाता है। अगर मैं DINT करूंगा तो ये डबल इंटीजर मतलब 32 बिट का टैग बनेगा। तो INT 0 मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, देन INT 01 एक और बिट मैंने ले लिया, D मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ से अभी अगर मैं मॉनिटर करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो जो मेरा INT है ये 16 बिट का डेटा है। देखिए 0 से लेकर 15 बिट, यानी टोटल 16 बिट का मेरा डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं 32 बिट का डेटा स्टोर कराना, तो उसके लिए आप यहाँ से DINT के नाम का कोई टैग बना लीजिए। बस आप एज इट इज बेस रहने देंगे, देन DINT लिखेंगे, क्रिएट कर दीजिए। देन यहाँ से फिर आप यहाँ से DINT ले लीजिए, देन 01 हो गया। आप इस तरीके से और भी टैग क्रिएट कर सकते हैं। ये बेस हो गया, DINT क्रिएट कर दीजिए। आप फिर से यहाँ से एडिट करिए तो आपको यहाँ से बिल्कुल डिफरेंस नजर आ जाएगा। INT 00 पे देखिए ये 16 बिट का डेटा है, ये देखिए ये भी 16 बिट का डेटा है। देन अब अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके यहाँ पे 31 बिट, यानी ये 32 बिट का डेटा हो गया। तो 32 बिट का डेटा जो होता है वो ज्यादा डेटा हो सकता है, उसको आप ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए आप यूज करते हैं। अगर आपको 16 बिट तक की वैल्यू है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, INT टैग। अब कभी कभी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर मुझे राउंड ऑफ वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए इंटीजर डबल इंटीजर लेते हैं, लेकिन अगर पॉइंट वैल्यूज स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रियल टैग बनाते हैं। तो रियल मतलब फ्लोट टैग होता है, तो मैंने याद करने के लिए डिफाइन कर दिया real 00, देन बेस ले लिया। देन यहाँ से आप क्या करेंगे, रियल डिफाइन करेंगे। तो रियल मतलब पॉइंट वैल्यू, आपको अगर पॉइंट वैल्यू सेव कराना है तो उसके लिए जो हम टैग लेते हैं वो रियल टैग लेते हैं। जैसे यहाँ पे 01 ले लिया, दूसरा बेस ही रहेगा, बस यहाँ से डेटा रियल आप ले लीजिए, देन क्रिएट कर दीजिए। अब यहाँ पर एडिट टैग पे चले जाइए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रियल टैग आपके डिफाइन हो गए, रियल। ये देखिए यहाँ से, तो ये जो रियल होता है ये बेसिकली फ्लोटिंग टैग होता है। यहाँ पर देखिए आपको फ्लोट क्लियर नजर आ रहा होगा, फ्लोट मतलब होता है पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना।
अब आपने जो भी यहाँ पर टैग क्रिएट कर किए हैं, ब्लैंक फाइल आप इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, अगर कोई एरर होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो कम्युनिकेशन में चले जाइए, हु एक्टिव पे जाइए यहाँ से, देन आप यहाँ से ये प्रोग्राम डाउनलोड कर दीजिए। मैं ऑनलाइन लेके आपको मॉनिटर टैग करा देता हूँ कि किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टैग क्रिएट किए। तो इस वीडियो में बेसिकली टैग कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया, देन फाइनल आप आगे और भी इन टैग्स को कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आगे वीडियो और भी लेके आऊंगा। तो आप लगातार फॉलो करते रहिए इस चैनल को। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे आई ओके है, कंट्रोलर रन मोड में सब कुछ ओके है, सारे टैग मेरे डाउनलोड हो चुके हैं कंट्रोलर में। अब आप यहाँ से मॉनिटर कर लीजिए, तो सारे टैग आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वैल्यू, ये रियल वैल्यू होती है। तो यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ से इनपुट जो मैंने यूज जो टैग बनाया था इनपुट का, आप देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा। स्टार्ट के लिए उस पर 0 है, कोई कमांड नहीं है, स्टॉप 0 है। देन उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पे आ जाइए, जो मोटर मेरी 1 थी वो भी यहाँ पे आपको क्लियर ऑफ दिखाई दे रही है, 0 0 मीन्स ऑफ होता है। देन आप यहाँ पर आ जाइए टाइमर्स में, यहाँ पर ये रहे टाइमर्स, इसके अंदर देखेंगे प्रीसेट एक्यूमुलेटर 0 है, कोई भी बिट ऑन नहीं है क्योंकि कहीं पर भी मैंने यूज किया ही नहीं है अभी। इसी तरीके से 1 नंबर टाइमर में भी यही है। देन यहाँ पर देखिए जो रियल टैग है, ये देखिए पॉइंट में यहाँ पे 0.00, ये सिर्फ 0 नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रियल जो टैग है ये फ्लोट टैग है, इसलिए पॉइंट में यहाँ वैल्यू आ रही है। और इंटीजर में आप देखेंगे तो देखिए 0 आ रहा है, ये 16 बिट का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकता है, ये भी 16 बिट और ये 32 बिट का डेटा स्टोर करता है। अगर मैं काउंटर की बात करूँ तो काउंटर में देखिए प्रीसेट एक्यूमुलेटर सारा कुछ 0 है, कोई भी बिट हाई भी नहीं है, ये काउंटर 0 हो गया और ये काउंटर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को मॉनिटर करते हैं। जब हम ऑनलाइन लेने के बाद कंट्रोलर से डेटा किस तरह से मॉनिटर किया जाता है वो चीज़ आपको यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बताई। तो आज का जो टॉपिक हमारा ये था कि हम टैग क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको आईडिया दिया है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो रियली पसंद आया होगा। तो आगे जो वीडियो लेके आऊंगा वो ये लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। सो आगे वीडियो देखने के लिए आप लगातार मेरे चैनल को